हेलो फ्रेंड्स, एंजल रसोई में आपका स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं आपको बताऊंगी कि अपनी आईब्रो खुद से कैसे बनानी है और कौन से तरीके से और कैसे धागे से बनानी है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप अपनी आईब्रो खुद कैसे बना लेते हैं और किस तरह बनानी है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि अपनी आईब्रो खुद कैसे बनानी है और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं हो बाहर जाके, और हम फटाफट से अपनी आईब्रो कहीं जाना हो तो बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी। पाउडर लिया है, पाउडर लगाने के लिए लिया है कैची, और ये जो धागा है वो हमने ये वाला धागा यूज किया है, इससे हमें अपनी आईब्रो बनानी है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें ये एक्स्ट्रा बाल निकालना है, ऊपर से हमें इसको शेप देना है कैची की सहायता से दोनों आईब्रो पे। इस तरह से मैं कट लगा रही हूँ। अभी मैंने ये धागा लिया है, इसको मैं इतना सा निकाल के इसको कट कर देते हैं, और मैं इसके मुंह पे काट लगा देती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने काट लगा दिया है, और इसको मैं अपनी साइड में लेके पाउडर लगा देते थोड़ा सा, जिससे हमारा ऑयल है वो निकल जाए। और मैं अपनी साइड में लेके इसको आटे लगाऊंगी, राइट साइड से 8 बार लेना हमें, और हमें इसको कैची की तरह से इस तरह से अपने शेप में कटिंग करना है। थोड़े थोड़े बाल लेने हैं, एक साथ लेंगे तो हमारी चमड़ी भी आ सकती है साथ में, तो मैं थोड़े थोड़े बाल लेके इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। जिसकी आईब्रो की ज़्यादा ग्रोथ हो वो थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि साथ में ऊपर वाले बाल आ सकते हैं। मेरी ग्रोथ कम है इसलिए मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ, तो जल्दी से हो रहा है। अगर ज़्यादा ग्रोथ हो थोड़ा सा ध्यान रखना है। राइट साइड से हमें लेफ्ट साइड की तरह कट करना है इस तरह से। और बिंदी की जगह भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने एक्स्ट्रा बाल भी निकाल दिए हैं। दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरह करना है। और फोरहेड भी हम इस तरह से करेंगे। अगर हम कहीं जा रहे हो और हमें जल्दी हो, हमारे पास टाइम नहीं हो, हमें आईब्रो बनवानी है, तो हम इस तरह से घर पे ऑन द स्पॉट बना के रेडी हो सकते हैं। इस तरह से हमने फोरहेड को भी कर लिया है। ये तरीका बहुत ही आसान और जल्दी होने वाला है। अगर हम आईब्रो का धागा लेंगे थोड़ा सा मोटा रहेगा, इससे हमारे अपने खुद के हाथ से हम चमड़ी खींच नहीं सकते, इसलिए हमने पतला धागा लिया, इससे हमारे बाल जल्दी से धागे में आएंगे। देखिए हमारी आईब्रो रेडी हो गई है, और अब हम इसको आईब्रो पेंसिल की सहायता से अपने शेप में कर सकते हैं। मेरी आईब्रो बहुत ही लाइट है, इसके लिए मैं पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, इससे अच्छा ग्लो आता है। और इसी तरह से आप अपर लिप्स भी कर सकते हैं धागे की सहायता से, यहाँ से भी पाउडर लगा के आप अपर लिप कर सकते हैं।